जनपद मथुरा के वार्ड नंबर 16 से बहुजन समाज पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती नीलम शर्मा का चुनाव प्रचार अभियान बड़े ही जोर और शोर के साथ उनके समर्थक कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे श्रीमती नीलम शर्मा के पति पूर्व प्रधान महेश पंडित ने बताया कि वार्ड नंबर 16 के ग्रामीण काफी समय से विकास की बाट जो रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की बनी हुई है, जिसकी ओर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज भी सुबह शाम कई कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद काफी दूर से पानी लाकर अपने परिवार की प्यास बुझा रही हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता के साथ वो इस समस्या को दूर करेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें बदहाल हैं, जिनमें सड़कें कम गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। उन्होंने इस समस्या के निराकरण की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराने का लोगों से वायदा किया। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 16 का चहुमुखी विकास होगा। जिस तरह से वार्ड की सरदारी का प्यार और आशीर्वाद महेश पंडित को मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि श्रीमती नीलम शर्मा निश्चित रूप से इस बार भारी मतों से विजयी होंगी। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधान महेश पंडित का गांव पसौली, सिहाना, कोंकेरा, बझेरा, शिवाल आदि गांव में लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह फूल माला और पगड़ी पहनाकर जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों बसपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। सावधान हो समर, अरे ये ताज किसे महाराज चतुर्भुज, ये तो आगे खबर परे कि धरना धारी है, सुनो सरदारी है, अर्ज हमारी है, राखो इनकी बात। अब थोड़ा सा कहे कि देश तरक्की कर रहा है, कि देश तरक्की कर रहा है, कोरोना चल रहा है, ये देश तरक्की कर रहा है, दिन रात आदमी मर रहा है, नीचे को गिरता जा रहा है, ऊपर को ना छर रहा है, लाठी डंडा को काम का कट्टा आटी पे धर रहा है, कैसे बदले ढोल लगाड़े और ठट्टा मारे ठाड़े ठाड़े, खाली घी के बर्तन भाड़े, सूने परे बगीचिया खाड़ी, और टीवी और बीबी के सर में सफर कर रहा है, जो देश तरक्की कर रहा है, आज आदमी मर रहा है, ऊपर को ना छर रहा है, घर घर पैदा भाई नहीं तापी, एक आदमी एक थोकी जिम्मेदारी ले ले तो आज नाती ना माने को बाबा की, घर घर पैदा भई नहीं ताती, ओ बाबा अकल बता रहे नाती, मालम था इनके नाम हाथी, इनने दुनिया कर दी आती, बहुत रे समझाए देख मैं कौन कौन पे कर रहा है, कैसो माहौल में कर रहा है, लाठी डंडा को काम का करता है, पीवे धर रहा है, दूसरा और पीवे दारू को पड़ुआ, पीकी बने थोक में हुआ, सिर ऊपर मरदारो कहुआ, बाजी कैसो बनो देख बनुआ, और मरे पूरे ढोल और उनके जुम्मे पर रहो, कैसो माहौल बिगड़ रहो, अजी हमारे और घर घर पैदा भई नशेड़ी, जानना ने को घर घर पैदा भई नशेड़ी, और घर के द्वार टिकाना एड़ी, ऐसे पैदा है के रेड़ी, करते डोले भत्ता घेड़ी, भत्ता घेड़ी, बहुत रे समझाए देगी पी पी सुनवा कर रहो, ऐसा माहौल बिगड़ रहो, घर कह दे जो बैयर वाली वही चीज पड़ेगी लानी, कितनी हजार लावर हानि, माँ बापन की कदर न जानी, चूल्हे पे जाए बैठ भूकरा तो हुके आगे और बड़े प्रेम से समय बुलावे और नाम को शब्द सुनावे, रुच रुच के जब भोजन पामे, कैसे भैया आनंद में आज भर में देखो आदमी ठाड़ो ठाड़ो चल रहा हूँ, खुश में गांव गांव है गई भक्तानी, 100% भक्तानी, गांव गांव है गई भक्तानी, और शासन ने ना पिया पानी, मंदिर में उनकी सुनो कहानी, और काम करे अपने मनमानी, भक्तानी ने देख भगत जी राधे राधे, राखी डंडा को जब तो ज्यादा ही देंगी, कैसे आनंद आ रहे भारे, यहाँ बैठे सब रहवे वारे, भजन तनाव में सोढ़ी प्यारे, और स्वागत किए अति ने भारे जाए, और महेश भैया जिला परिषद को आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश तरक्की कर रहे हो,
वेलकम हाय टाटा वाई वाई रह गई और मम्मी पापा ताऊ चके न था वो भूल गई डैडी मॉम अंकल आंटी स्वभाव एक है गई लोग लाज है सर सर से उतार फेंकी भारत की नारी देखो आज मुक्त है गई हाथ में मोबाइल लड़कियां गलत न मानो पेंट सेट पैर लगी देश की तरक्की में कमी कहा रहे चेटा भाई साहब बापू भाई साहब 100% भाई पापा और देवर जी तो भैया बोले मैया जाए भैया की कदर कहा रह गई जात पात नात गोत खूबी पहचान दिए देश में रजिलों की कमी कहा रह गई देश बनो क्रिस्टल बदलो विधान ये ज्ञान की किताब तो पानी में बह गई और नारी बिचारी आज कैसे ढके अपनी लाज फैशन विदेशी देखो कंपल्सरी है गई इंसान दुखी है और सुन सुन के महंगाई इतनी बढ़ रही है कुर्सी पे बैठे नेतन की वो दीख है बुद्धि सड़ रही है काबूड़ी और जवानन की कचुन सुरक्षी चढ़ रही है और छह बच्चों की माँ देखो जीएलए में पढ़ रही है। मान किया भाइयों कहता हूँ।